नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आठ की बात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं बीजेपी की लिस्ट के साथ ही, जिसका इंतजार हो रहा है। तो भाजपा की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बैठक में शुरुआती तीन चरणों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान शुरुआती तीन चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया और इस दौरान महिलाओं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस पर ध्यान रखा गया है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 170 सीटों में से 15 से 20 फीसदी मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और शुरुआती तीन चरणों में मौजूदा मंत्रियों में से लगभग सभी अपनी अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी खबर है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ सीधे रुख कर लेते हैं अविनाश तिवारी का। अविनाश, देखिए लगातार बैठकों का दौर चला, मंथन का दौर चला, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लिस्ट आज सामने आ सकती है, कितनी इसकी संभावना है और क्या पुख्ता जानकारी आपको मिल पा रही है बीजेपी की लिस्ट को लेकर? देखिए दीपा, अगर बात करें तो पहले फेज के लिए अगर बात करें तो कल से नामांकन की शुरुआत हो गई और 21 जनवरी लास्ट डेट है। बीजेपी ने पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज के कुल 172 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। आज ये नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको आज भी शुरू रहेगी और जो बीजेपी की जो लिस्ट है वो आ जा सकती है, क्योंकि अगर बात करें तो सोमवार से तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो अपना अपना नामांकन कर सकते हैं। अभी अगर बात करें तो जितने सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से 15 से 20% लोगों का टिकट काटा गया है और ऐसे विधायकों का टिकट काटा गया है जिनकी जनता के बीच में बहुत ज्यादा नाराजगी है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, क्योंकि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे अपना कराया था जिसमें यह जानने की कोशिश की थी कि कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, जिनको अगर दोबारा फिर से टिकट दिया जाता है तो जनता किसी भी कीमत पर उनको दोबारा से विधायक नहीं चुनेगी। तो ऐसे विधायकों को खाली टिकट काटा गया है, अन्यथा जिन विधायकों ने काम किया है, जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है, उनको टिकट दिया गया है दोबारा से, उन पर विश्वास दोबारा से जताया गया है। तो बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर 172 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। आज ये सूची जारी हो सकती है जिसके बाद सोमवार से बीजेपी के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं वो नामांकन करेंगे, क्योंकि 21 जनवरी लास्ट डेट है पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए 28 तारीख लास्ट डेट है और तीसरे फेज के लिए 1 फरवरी लास्ट डेट है। तो बीजेपी आज अपने पहले दो फेज के कम से कम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी जिससे कि वो अपना नामांकन कर सके और अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पहले फेज के लिए नामांकन की अगर बात करें तो 21 जनवरी है तो वही मतदान की जो तारीख है वो 10 फरवरी है, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए बीजेपी आज अपनी सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, पहले फेज के नामांकन के लिए 21 तारीख आखिरी डेट है और इससे पहले आप ये कह रहे हैं अविनाश की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है और कम से कम पहले और सेकंड फेज के लिए उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान आज किया जा सकता है। इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है, लगातार इस पर नजर रहेगी। आप रहिए अविनाश हमारे साथ, इस पर लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब देखिए बात करते हैं सेंधमारी की, अखिलेश यादव की नई तैयारी क्या है इसकी बात कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा की जो तैयारी है वो फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। भाजपा के मंत्री विधायकों का सपा में आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी बीच आज अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव लखनऊ के सपा दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं और आज इमरान मसूद अपने सहयोगियों के साथ सपा में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर है। और इसके अलावा हो सकता है कि आज भी कुछ लोग सपा ज्वाइन करें, ये जानकारी मिल रही है कि आज भी हो सकता है बीजेपी के कुछ चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार नजर है। जो सेंधमारी की तैयारी अखिलेश यादव की, जो नंबर वाला बवंडर है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि हर गुजरते दिन के साथ क्या बड़ा करने वाले अखिलेश यादव, और आज जानकारी ये मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं और उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करेंगे, इमरान मसूद को लेकर भी जानकारी है। चलिए इसी को लेकर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, सेंधमारी की नई तैयारी क्या है वो आप समझिए। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इमरान मसूद समर्थकों के साथ शामिल होंगे औपचारिक तौर से समाजवादी पार्टी में और कुछ दूसरे बागियों की भी ज्वाइनिंग होगी ये कहा जा रहा है। और जानकारी ये कि भाजपा के कई बागी सपा में शामिल हो चुके हैं पहले ही
और इस्तीफा देने वाले तीन मंत्री में से दो शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। कल की तस्वीरें सबसे पहले हमने आपके सामने रखी थी, जब तीन मंत्रियों में से दो ने औपचारिक तौर से समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और दारा सिंह चौहान, खबर यह है कि 16 जनवरी को शामिल होंगे, यानी कि कल के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। इससे पहले धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें आपने देखी थी। अब देखिए, आज का दिन भी बहुत अहम है, इमरान मसूद औपचारिक तौर से शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ और चेहरे हैं जिनको लेकर बार बार सिग्नल देते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं। इसी पर जानकारी लेते हैं, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, आज का दिन भी बहुत अहम होने वाला है, अब कहां पर जाकर के ये नंबर गेम रुकने वाला है अखिलेश यादव का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज क्या कुछ होगा जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, आपने सही कहा, आज का दिन भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और पिछले तीन दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़, किसी भी राजनीतिक दल को अगर हम देख लें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सन्नाटा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सारी बैठकें टिकटों को लेकर जो हुई वो दिल्ली में हुई, लखनऊ में जो इनका प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर इक्का दुक्का नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पिछले चार दिनों से लगातार सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़, पूरे प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जो टिकटार्थी हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। और लगातार वो साबित भी कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं फील्ड पर, क्योंकि रोज कोई ना कोई भाजपा का मंत्री या विधायक इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर रहा है। कल अखिलेश यादव ने बड़ा कार्यक्रम किया था मकर संक्रांति को, 8 लोग शामिल हुए थे भाजपा के, जिसमें 2 मंत्री थे, एक मंत्री दारा सिंह चौहान के शामिल होने की चर्चा चल रही है, वो भी आज या कल में ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान मसूद की भी 3 दिन से चर्चा चल रही है कि वो यहाँ पर आएंगे, अखिलेश यादव के साथ यहाँ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, मुलायम सिंह से मिलेंगे, उसके बाद औपचारिक घोषणा होगी पार्टी में शामिल होने की। इमरान मसूद मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ सीटों को लेकर बातचीत ऐसी बन नहीं पाई है कि वो अपनी घोषणा कर दे। तो आज महत्वपूर्ण बात यह कि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश ने कहा, कल अपने भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाई। रोज एक भाजपा का बड़ा नेता इस्तीफा देगा, जो उनसे जुड़े हुए हैं पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं या विधायक हैं, उन्होंने कहा रोज एक इस्तीफा आएगा और रोज एक आदमी पार्टी में समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी है और ये लगातार चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार ये चलेगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे, उसमें वो कोई घोषणा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि कोई और नेता कोई आ रहा है अगर, या कितने नेता आएंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, जो दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होना है उसके लिए टिकटों की घोषणा भी कर सकते हैं कि कितने टिकट कितने लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से जो गठबंधन के लोग हैं वो कितने लोग हैं, उनकी पार्टी के कितने टिकट मिलेंगे, उनकी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता कितने इस चुनाव में भागीदारी करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे सक्रिय रूप से, क्योंकि यहाँ पर तो मजमा लगा हुआ है। अभी सुबह का समय है, नहीं तो आप 1 घंटे बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। और लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं कई दिन से, हफ्ते भर से करीब यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में विवेक पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता समर्थक, और जितना इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने वाले अखिलेश यादव, जितना इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को है, उससे ज्यादा यकीन मानिए इंतजार बीजेपी वालों को होगा। धड़कने उनकी बड़ी हुई है कि आज कौन सा उनका विकेट गिरने वाला है। फिलहाल लगातार नजर रहेगी इसी बड़ी खबर पर, क्या कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, इस पर भी लगातार आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बसपा की। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और बीएसपी कार्यालय में यह जन्मदिन मनाया जाएगा। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जैसे कि हर बर्थडे पर वो करती है। और आज यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक साथ औपचारिक लिस्ट जारी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। आपको ये भी हम बता दें कि इस बार पार्टी बिना गठबंधन के अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में खड़ी है। और वहीं ये भी आप जान लीजिए कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि वो उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं, हालांकि भव्यता उतनी नहीं हो जैसे कि और सालों में होती थी। इस वक्त कोविड है तो सीमित संख्या में कार्यक्रम होंगे, सीमित संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग हिस्सों में जुटेंगे। लेकिन आप देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, सुप्रीमो मायावती का बर्थडे है और आज कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकती हैं। इसी पर लखनऊ से रतीश मेरे साथ जुड़ चुके, सीधे रतीश का रुख करते हैं। रतीश, बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन आज है, लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार हो रहा था, आज जन्मदिन का मौका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन किन बातों का जिक्र मायावती कर सकती है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती का 66 का जन्मदिन है और हमने देखा है कि जब भी उनका जन्मदिन होता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं बीएसपी के स्टेट मुख्यालय में और वहां से अपने कार्यकर्ताओं को अपने कार्डर वोट को एक संदेश देती हैं। वाकई आज बड़ा संदेश जाने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और तमाम सियासी गोलबंदी के बीच बीएसपी को ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि बीएसपी काफ़ी कमज़ोर हो रही है क्योंकि बीएसपी के तमाम नेता टूट टूट कर सपा में या भाजपा में जा रहे हैं। तो ऐसे में मायावती का संदेश काफ़ी मायने रखेगा, काफ़ी अहमियत रखता है और आज ये भी कहा जा रहा है कि औपचारिक रूप से जो अन्य प्रत्याशी हैं जिनकी अभी सीटों पर घोषणा नहीं हो पाई है उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपने कार्यकर्ताओं से इस दिन को मनाने के लिए कहा गया है और गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर साफ तौर पर सियासत का आज केंद्र बीएसपी रहेगी, बीएसपी भी रहेगी क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी और भाजपा ने यूपी की सियासत को गरमाया हुआ है लेकिन आज मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी यूपी स्टेट कार्यालय में बीएसपी के तो तमाम संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगी और आह्वान करेंगी कि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी कड़ा है, काफ़ी कड़ा मुकाबला है और उसमें कैसे बीएसपी के कार्यकर्ता अन्य विरोधी दलों से आगे निकलें क्योंकि बीएसपी लगातार सर्वजन की बात कर रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है उसकी बात करती है, सर्व समाज के पास जाकर बात करने की अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद जो एससी सीटें हैं जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर भी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार दौरे करते रहे बिना किसी शोर शराबे के वो अपने दौरे कर रहे हैं। हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं वो मान रहे हैं कि बीएसपी मुकाबले से दूर है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में सब कोई जानते हैं कि उसका कार्डर वोट होता है, कार्डर वोट अगर बीएसपी के साथ इंटैक्ट रहता है तो बीएसपी रिजल्ट कुछ अप्रत्याशित तौर पर भी दे सकती है लेकिन फिलहाल बिल्कुल क्या कुछ ऐसा अप्रत्याशित इस बार के इलेक्शन में होने जा रहा है। नीतीश इसी पर लगातार निगाहें टिकी हुई है और राजनीतिक जो जानकार है वो भी यही कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो कांटे की टक्कर सपा बीजेपी में है। अब बसपा कहाँ पर स्टैंड करती है, कैसा परफॉर्म वो इलेक्शन में करेगी, इसी पर लगातार निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल आज पीसी होनी है मायावती की जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात सियासी हलचल के बीच रैलियों पर नए आदेश के इंतजार की। तो केंद्रीय चुनाव आयोग आज रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को लेकर अपना आदेश जारी कर सकता है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी तरह की रैली, रोड शोज, वाहन रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी, यानी कि आज तक के लिए रोक लगाई गई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये रोक फिलहाल आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि कोविड की रफ्तार कम हुई नहीं है और कोविड का खतरा जो बढ़ा है इसे देखते हुए जानकारी ये मिल रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि ये जो रोक लगी थी 15 जनवरी तक, आज तक उसको और भी कंटिन्यू किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक दलों को अपनी और तैयारी आगे बढ़ानी होगी। रैली, रोड शो, पद यात्रा पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगाई गई थी। चुनाव आयोग की तरफ से कोविड के हालातों को भांपते हुए यह आदेश जारी किया गया था और आज भी ये जानकारी मिल रही है कि यह आदेश जो है वो जारी रह सकता है आगे भी। अभी और रैलीज, रोड शोज, पदयात्रा चुनावी मौसम में राजनीतिक दल नहीं कर पाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, सोर्स ही बता रहे हैं। इसी पर पुख्ता जानकारी लेते हैं। अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, क्या लग रहा है, हालांकि 15 तारीख के लिए रोक लगाई गई थी, जो सोर्स बता रहे वो तो यही कह रहे हैं कि जो रोक है वो आगे भी जारी रहेगी, आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पिछले जब शनिवार को इलेक्शन की घोषणा की थी तो 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा रखी थी, आज वो रोक समाप्त हो रहा है लेकिन इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, एक हफ्ते से 10 दिन के लिए इसको आगे फिर से एक्सटेंड किया जाएगा और रिव्यू किया जाएगा कोविड की सिचुएशन को क्योंकि अभी कोरोना के हालात ठीक नहीं हुए, लगातार जो संक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और केसेस भी लगातार राइज करते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे में चुनाव आयोग आज एक बार फिर से जो बैन लगाया है रैलियों को, पदयात्राओं को और इसके साथ साथ तमाम सारी अन्य गतिविधियों को लेकर चुनाव में, उसको एक्सटेंड करेगा। 20 से 25 जनवरी तक ये एक्सटेंशन बढ़ सकता है और उसके बाद फिर कोविड सिचुएशन को एक बार फिर से रिव्यू करेगा चुनाव आयोग, तब आगे आदेश देगा। लेकिन आज फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो बैन लगा है वो आगे भी बढ़ेगा।
ठीक है अविनाश, जो बैन लगा है आप ही बता रहे हैं कि रिव्यू किया जाएगा, हालातों को लेकर मंथन होगा, फीडबैक अलग अलग हिस्सों से जो मिल रहा है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, वहां की स्थिति कैसी है, उन स्थिति को भापते हुए अब ये आप कह रहे हैं कि ये आदेश आगे के लिए जारी हो सकता है, कि जो रोक है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। को दिखाते हैं गोरखपुर से सीएम योगी की तस्वीरें। सीएम योगी आज गोरखपुर में ही मौजूद हैं और उनके गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। ये तस्वीरें आ रही है, देखिए सीधी तस्वीरें हैं। सुबह सुबह उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी खिलाई। इस दौरान सीएम योगी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी वहां पर की। आपको बता दें कि यहाँ 15 जनवरी से अगले 1 महीने तक खिचड़ी का मेला चलता है और भारी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, खिचड़ी भी वहां पर चढ़ाई है। देखिए अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में जैसे हर साल पहुंचते हैं श्रद्धालु, वैसे ही पहुंचे और बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी का ये महीना पूरा कहा जाता है यूपी में, और जो शुरुआत हुई है 15 तारीख से वो अगले 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ उन्होंने की, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वहां पर की, बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाई। श्रद्धालुओं में जो जोश है वो भी आप देखिए, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए, और 1 महीने तक यही तस्वीरें हूबहू आप देख पाएंगे। जब भी गोरखपुर में होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो अक्सर वो सुबह की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ ही करते हैं। हर रोज आप कह लीजिए पूजा अर्चना के साथ ही वो दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद जन सुनवाई का सिलसिला वहां पर उनका चलता है। और आज भी चूंकि आज दूसरा दिन है, उन्होंने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सुबह से अभी तक क्या कुछ हुआ। सीएम ने खिचड़ी वहां पर चढ़ाई और पूजा भी वहां पर की, आरती भी उतारी सीएम ने, और साथ ही गोरक्षनाथ मंदिर में शक्ति पूजा भी की, उसी की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनमें भी जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। संक्रांति का पावन पर्व है, इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा शिवतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहां पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा।